कैसे हैं दोस्तों आप सब। मैं हूं आपका दोस्त विनय मिश्रा। आपका स्वागत है हमारे चैनल मेक इट इजी हैशटैग। एक न्यू वीडियो सीरीज आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। कंप्यूटर ग्राफिक्स पे हम लोग बात करेंगे। तो इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स, या फिर हम लोग बोल सकते हैं इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर ग्राफिक्स में हम लोग इस पूरे वीडियो में डिस्कशन करेंगे। पूरा का पूरा मैं कोशिश करूंगा जो मैक्सिमम यूनिवर्सिटी एग्जाम के जो पहला जो यूनिट है इसी वीडियो में इसको खत्म किया जाए। काफी सिंपल यूनिट है, काफी ईजी टू स्कोर यूनिट है। तो इसमें हम लोग सारी चीजों को यहां पे डिस्कस करने वाले हैं। क्या है कंप्यूटर ग्राफिक्स, उसके एप्लीकेशन क्या है, उसकी बेसिक टर्मिनोलॉजीज जो कि पूछा जाता है एक दो मार्क्स में, वो हो गया। उसके बाद फिर अलग अलग टाइप के हम लोग डिस्प्ले सिस्टम देखेंगे, सीआरटी, कैथोड रे ट्यूब जिसको बोला जाता है। उसके बाद फिर अलग अलग उसके टाइप देखेंगे कि रैंडम स्कैन, रास्टर स्कैन हम लोग देखेंगे, कैसे डिस्प्ले करवाया जाता है। उसके बाद फिर हम लोग अलग अलग टाइप के मेथड देखेंगे उस सीआरटी में कि कैसे कलर प्रोड्यूस किया जाता है, शेडो मास्क हो गया, बीम पेनिट्रेशन मेथड हो गया। तो इस पूरे एक वीडियो में इतना हम लोग करने वाले हैं कि हम लोग को कुछ भी इसके अलावा करने की ज़रूरत ना पड़े। तो इस वीडियो को थोड़ा सा हो सकता है थोड़ा लंबा हो जाए, लेकिन मैं कोशिश ये करूँगा कि आपको कुछ भी और चीज़ देखने की ज़रूरत ना पड़े। पूरे के पूरे नोट्स भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो वहाँ से आप डाउनलोड भी कर लेना, लेकिन एक बार इसको समझ लेना तो फिर बहुत सिंपल हो जाएगा ना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने कंप्यूटर ग्राफिक्स के इस नए कोर्स को। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही उठता है कि भाई कंप्यूटर ग्राफिक्स है क्या। तो कंप्यूटर ग्राफिक्स क्या है, तो जैसा कि हम लोग अपने डेली लाइफ में जानते होंगे, रोज इसका इस्तेमाल करते ही होंगे। क्या है, क्रिएशन, मैनिपुलेशन एंड स्टोरेज ऑफ ज्योमेट्रिक ऑब्जेक्ट। ये थोड़ी बुक इस डेफिनेशन है क्या है, हम लोग को सबको पता होगा कंप्यूटर ग्राफिक्स हम लोग हर जगह ही यूज़ करते हैं। तो एकदम सीधा बुक इस डेफिनेशन पे आते हैं हम लोग। क्रिएशन, मैनिपुलेशन एंड स्टोरेज ऑफ ज्योमेट्रिक ऑब्जेक्ट्स, या फिर मॉडलिंग जिसको बोला जाता है, जिसको बोला गया प्रतिरूपण, हिंदी में बोला जाता है प्रतिरूपण, जिसको हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि किसी भी चीज़ को, किसी भी ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करना। ठीक है, एंड देयर इमेजेस, रेंडरिंग, रेंडरिंग का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को इंटरप्रेट करना, डिस्प्ले those images on screen और hard copy devices। मतलब कुल मिला के क्या होता है कंप्यूटर ग्राफिक्स, किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर हम लोग क्रिएशन करें, उसका मैनिपुलेशन करें, उस ज्योमेट्रिक ऑब्जेक्ट को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलें, जिसको मॉर्फिंग भी बोला जाता है, ऐसे प्रोसेस को जहाँ पे हम लोग इमेज के साथ, ऑब्जेक्ट के साथ खेलते हैं, इसी को क्या बोला जाता है, कंप्यूटर ग्राफिक्स बोला जाता है। ठीक है, एग्जाम में नहीं आएगा कभी। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है फिर से हमारे 7-8 मार्क्स के जो क्वेश्चन आते हैं उसके लिए। बहुत सिंपल सा है, सभी आराम से इसमें लिख सकते हैं, लेकिन बस हम लोग को साइड हेडिंग पता होनी चाहिए, थोड़ी बहुत इसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, हम लोग आराम से इसमें लंबा लंबा फेंक के लिख सकते हैं। ठीक है, तो एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स, तो क्या है एप्लीकेशन हम लोग का, देखिए सबसे पहला है हम लोग का कैड। ठीक है, हम लोग अच्छे जानते हैं ऑटो कैड की दुनिया में, जहां पे अलग अलग बिल्डिंग के डिजाइन बनाए जाते हैं, ऑटोमोबाइल का इंजीनियरिंग, जहां पे ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में क्या होता है कि वहां पे जो मशीन्स है उनकी डिजाइन बनाई जाती है, तो वहां पे कंप्यूटर ग्राफिक्स का बहुत बड़ा रोल हो जाएगा। ठीक है, विजुलाइज करना पड़ता है हर चीज को। उसके बाद फिर आता है हम लोग का सेकंड पॉइंट, प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स। तो हम लोग जानते हैं आजकल की बिजनेस दुनिया में हम लोग को बहुत सारे प्रोजेक्ट, बहुत सारे असाइनमेंट, बहुत सारे प्रेजेंटेशन देनी पड़ेगी, और किसी भी कोई भी ऐसा प्रेजेंटेशन, कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट बिना ग्राफिक्स के, बिना कंप्यूटर ग्राफिक्स के हो ही नहीं सकता। वहाँ पे हम लोग को अलग अलग टाइप से डिफाइन करना होगा आसानी तरीके से, मतलब कहीं ना कहीं बार ग्राफ, ये ग्राफ, वो ग्राफ, तो हर जगह हम लोग को क्या लग रहा है, विजुअलाइजेशन लग रहा है। किसका विजुअलाइजेशन लग रहा है, हमारे कंप्यूटर ग्राफिक्स का, ग्राफिक सिस्टम कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है यहाँ पे। कंप्यूटर आर्ट पे बात करते हैं, तो कंप्यूटर आर्ट जैसे इलेक्ट्रॉनिक पेंटिंग हो गया, इलेक्ट्रॉनिक पेंटिंग के साथ अलग अलग हम लोग ब्रश, टूल, ये सब यूज करके पेंटिंग करते हैं, विजुलाइज करते हैं, एनिमेशन क्रिएट करते हैं, कंप्यूटर से कार्टून बनाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, बहुत कुछ लिख सकते हैं कंप्यूटर आर्ट में। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जैसे हम लोग एक GUI प्रोग्राम बनाए, उस GUI प्रोग्राम में मान लीजिए आपको एक स्लाइडिंग विंडो चाहिए जो कि विंडो स्लाइड हो रही है, बटन इधर से उधर जा रहा है, मतलब कुछ भी एनिमेशन करना, अगेन इन द सेंस क्या हो जाएगा, कंप्यूटर ग्राफिक्स में हो जाएगा। फिर अगला है एंटरटेनमेंट, तो भाई इसमें तो लंबा लंबा पूरा बुक ही लिख सकते हैं भाई, एक एक मूवी, बिना एनिमेशन के मूवी हो ही नहीं सकती, बिना एक्शन के कुछ हो ही नहीं सकता। मूवी इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री, जो भी बोले हम लोग, वीडियो इंडस्ट्री, हर जगह हम लोग क्या लगेगा, कंप्यूटर ग्राफिक्स लगता ही है। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग की बात करें,
तो एजुकेशन में भी आजकल विजुअलाइजेशन, हर चीज़ को मॉडल बना के दिखाना, उसको विजुअलाइज करके 3D स्ट्रक्चर उसको में हम लोग दिखाएं कंप्यूटर से, तो वो काफ़ी आसान हो जाता है हम लोग के लिए। और ट्रेनिंग पे अगर मैं बात करूँ तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, जैसे देखिए अगर हम लोग फ्लाइट की अगर बात करें तो पायलट को ऐसा दिया जाता होगा क्या कि भैया आपको अगर सीखना है, प्लेन सीखना है, तो आप ले लीजिए इसको, प्लेन ले लीजिए और जाके उड़ाते रहिए कहीं पर भी, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, ऑब्वियसली वो काफ़ी ख़तरनाक होगा। तो इसलिए इसी के लिए क्या किया गया है कि कंप्यूटर की मदद से, कंप्यूटर ग्राफिक्स की मदद से क्या बनाया गया, हमारे एक सिमुलेशन तैयार किया गया जिसमें एक वीडियो गेम टाइप का एक सेटअप हो जाता है जहां पे पायलट को बैठाया जाता है और वहां पे उसको सिखाया जाता है कि भैया आपको ऐसे ऑपरेट करना है, बिल्कुल वो ओरिजिनल प्लेन के ही जैसा होता है। तो इस तरीके से क्या हमारा ट्रेनिंग भी हो गया, ठीक है, और प्लेन का यूज़ भी नहीं हुआ, ठीक है, बहुत सारे रिसोर्सेज का यहाँ पे क्या हुआ, बचत हुआ। और उसके बाद अगर हम लोग बात करें विजुअलाइजेशन की, तो जो मैं आपको बोल रहा हूँ साइंटिफिक इंडस्ट्री में अगर मैं बोलूँ तो जो भी साइंटिफिक काम है, जो भी स्टडी करना है कोई चीज़ की डिटेल में बहुत अच्छे से, ठीक है, उस चीज़ को विजुलाइज करके अगर किया जाए तो बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही आसान हो जाता है, बहुत ही इफ़ेक्टिव भी होता है, ठीक है। इमेज प्रोसेसिंग की बात करें तो हर जगह भैया इमेज प्रोसेसिंग हम लोग को लगेगा, इमेज हम लोग का एनिमेशन, फिर से वही बात हो गई, इमेज का एनिमेशन करना, इमेज को हम लोग कैसे भी प्रोसेस करके एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल देते हैं, तो ये सारी चीज़ों का हम लोग जब ध्यान रखते हैं ना, जहाँ पे कंप्यूटर का ग्राफिक्स लग जाता है तो वहाँ पे क्या हम लोग को यूज़ करना ही पड़ेगा कंप्यूटर ग्राफिक्स। अब भाई इतना ज़बरदस्त है ये कंप्यूटर ग्राफिक्स, ये तो जानना बनता है कि ये कौन बनाया, तो इसको एक स्पेसिफिक कोई पर्सन बनाया नहीं है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि सबसे ज़्यादा इसमें जो कंट्रीब्यूशन रहा है कंप्यूटर ग्राफिक्स में वो किसका है, तो इवैन सुदरलैंड नाम के एक साइंटिस्ट थे, इवैन सुदरलैंड नाम के एक बाबा थे, साइंटिस्ट थे, जो कि क्या थे, एक बहुत ही ज़बरदस्त इंजीनियर थे, वैसे तो इंजीनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे, आई गेस 1938 में जन्म हुआ था, बहुत हिस्ट्री में नहीं जाते, बकवास है वो सब, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे, MIT से पढ़े थे, ठीक है, उनके फादर शायद सिविल इंजीनियर थे, ठीक है, बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ते, बहुत ज़्यादा हिस्ट्री की बात नहीं करते, बस मैं आपको बता रहा हूँ इवैन सुदरलैंड नाम के एक साइंटिस्ट थे, उनका एक भाई भी था, उनके भाई भी उनकी काफ़ी मदद किया और लोग काफ़ी मतलब यही सब दिमाग के थे कि मतलब कुल मिला के कुछ ना कुछ ऐसा बनाना है जो कि एक बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट कर दे, तो इसीलिए बहुत ही जबरदस्त स्कॉलर भी थे, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर अपने टाइम पे, और MIT से उन्होंने PhD किया, बहुत कुछ किया उसके बाद और कंप्यूटर ग्राफिक्स बनाया, ठीक है, बहुत हो गया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए यहां पे अब कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज देख लेते हैं, तो कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज में देखिए सबसे पहला है हम लोग का पिक्सल, 2 मार्क्स में क्वेश्चन आता है व्हाट इज पिक्सल, तो पिक्सल कुछ नहीं है भाई, बेसिक यूनिट है इमेज का, हम लोग सब सुने होंगे कि पिक्सल इतने पिक्सल का होना चाहिए, इमेज इतने ये का होना चाहिए, तो पिक्सल क्या होता है, जो हमारा इमेज है उसका सबसे छोटा पार्ट को ही क्या बोला जाता है, पिक्सल बोला जाता है। इसको और हम लोग डिफाइन कर सकते हैं अलग तरीके से कि स्मॉलेस्ट एरिया विच कैन बी एड्रेस्ड ऑन अ स्क्रीन, वही मतलब है, पिक्सल इज स्पेसिफाइड बाय इट्स रो एंड कॉलम नंबर, तो भैया रो और कॉलम नंबर जब हम लोग बताएंगे, जो हमारा कंप्यूटर स्क्रीन होता है, हम लोग ऐसा समझ सकते हैं कि हर एक पिक्सल पोजीशन से बना हुआ है, जिसमें हर एक पिक्सल का क्या होता है, रो और कॉलम नंबर होता है, ये मैट्रिक्स के फॉर्म में हम लोग मान सकते हैं। आगे बात करते हैं रिजोल्यूशन के ऊपर, तो रिजोल्यूशन क्या होता है, नंबर ऑफ पिक्सल पर यूनिट लेंथ या फिर पर यूनिट एरिया भी हम लोग कभी कभी बोलते हैं, नंबर ऑफ पिक्सल पर यूनिट लेंथ या फिर पर यूनिट एरिया को ही हम लोग रिजोल्यूशन बोलते हैं, और हम लोग कई बार सुने होंगे इतने रिजोल्यूशन पे देखना है इमेज, तो जितना ज़्यादा रिजोल्यूशन होगा ना उतना ही HD हम लोग का इमेज दिखेगा, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ पिक्सल्स होंगे उतना क्लियर हम लोग को कोई भी इमेज का कोई भी हाई डेफिनेशन हाई क्वालिटी दिखे, मतलब क्वालिटी किसके ऊपर डिपेंड करता है, रिजोल्यूशन के ऊपर, और रिजोल्यूशन किसके ऊपर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ पिक्सल के ऊपर, ठीक है, तो जितना ज्यादा रिजोल्यूशन उतना ज्यादा पिक्सल, ठीक है। इसको मेजर कैसे किया जाता है, तो इसको मेजर किया जाता है DPI में या फिर डॉट पर इंच जिसको बोला जाता है, ठीक है, सिंपल है। उसके बाद फिर फॉर अ बेटर इमेज पिक्सल शुड नॉट ओवरलैप नहीं होनी चाहिए, लेकिन ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो आपने देखा होगा अलग अलग पिक्सल अलग अलग रिजोल्यूशन पे हम लोग देखते हैं, कभी देखते हैं 640 पे देखते हैं, 640x480 ऐसा लिखा होता है, तो बहुत सारा अलग अलग रिजोल्यूशन रहता है, 1080, आजकल तो 1080 का ज़माना है, ठीक है, फुल HD पे ही सब काम होता है, ठीक है, मैं भी अब फुल HD पे ही वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, पहले की बात अलग थी, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा हम लोग पिक्सल बढ़ाए, रिजोल्यूशन बढ़ाए, तो इससे क्या होता है, मज़ा आता है, ठीक है, अच्छा लगता है वीडियो, ठीक है। अब देखिए अगला देखते हैं हम लोग एस्पेक्ट रेशियो के बारे में,
में बात करते हैं, एस्पेक्ट रेशियो क्या है हम लोग का, नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पिक्सल पर स्क्रीन। नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पिक्सल को अगर हम लोग गिने तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसके रेशियो को क्या बोलते हैं, एस्पेक्ट रेशियो बोलते हैं। नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पिक्सल्स पर स्क्रीन, मतलब अगर मैं इसका रेशियो लूं कि नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हम लोग के कितने पिक्सल्स हैं टू दो, हमारे वर्टिकल डायरेक्शन में कितने पिक्सल है, उसी को क्या बोला जाता है, एस्पेक्ट रेशियो बोला जाता है। तो एलसीडी केस में एस्पेक्ट रेशियो जो होता है 16:9 होता है। इसको हम लोग एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, विड्थ टू हाइट रेशियो ऑफ इमेज। जो हमारा विड्थ है वही बात हो गई, विड्थ जो भी हमारा इमेज है अपॉन हाइट, इसका अगर रेशियो लें तो उसको भी हम लोग एस्पेक्ट रेशियो बोलते हैं। मोबाइल फोन का क्योंकि हम लोग यूज करते हैं तो इसका भी जान लेते हैं भाई, 5:4 होता है एस्पेक्ट रेशियो, ठीक है समझ गए। उसके बाद देखते हैं कि परसिस्टेंस क्या होता है। तो हम लोग अपने डेली लाइफ में इसको ऑब्जर्व किए होंगे कि जैसे हम लोग कैथोड रे वाली जो वो डब्बा वाली टीवी होती थी, तो डब्बे वाली टीवी को जैसे हम लोग क्या करते थे, बंद करते थे तो एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए हम लोग को टीवी ग्लो करता हुआ दिखता था, तो क्या है, परसिस्टेंस है, ठीक है। तो वही चीज़ है यहाँ पे, परसिस्टेंस इज डिफाइंड एज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर एमिटेड लाइट टू डीके 1/10 ऑफ द ओरिजिनल इंटेंसिटी। उसकी ओरिजिनल इंटेंसिटी का 1/10 जैसी हो जाता है, उस डिले को, उस टाइम इंटरवल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, परसिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है ये चीज तो समझ। तो भाई अब हम लोग बात करते हैं डिस्प्ले डिवाइसेस के ऊपर। तो पहला डिस्प्ले डिवाइस जो है हम लोग का वो क्या है, कैथोड रे ट्यूब, CRT जिसको बोला जाता है। तो क्या है ये कैथोड रे ट्यूब, तो हम लोग अच्छे से जानते हैं हमारे टीवी में जो डब्बा वाली टीवी जो पहले के जमाने में हुआ करती थी, उसमें क्या लगा होता था, एक कैथोड रे ट्यूब होता था। कैसे वो वर्क करता है उसी के बारे में हम लोग को जानना है, क्योंकि एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन लाया था एक कंप्यूटर ग्राफिक्स वाली इंडस्ट्री में। तो इसको हम लोग अच्छे से पढ़ लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं, डायग्राम बना हुआ है एकदम, चीजों को समझ लेते हैं, एक एक कंपोनेंट को हम लोग को समझाने आता है, वर्किंग लिखने आता है, तो आराम से, अरे थोड़ा ज्यादा ही जोश हो जा रहा है, तो आराम से हम लोग इसको समझ लेंगे, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो देखिए यहां पे क्या हो रहा है, सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे लगा होता है हम लोग का हीटिंग मटेरियल, मतलब यहाँ पे थर्मो आयनिक एमिशन होता है। सबसे पहले थर्मो आयनिक एमिशन का मतलब यहाँ पर से लगातार इसको थोड़ा हीट किया जाता है, हीट करने से क्या होगा, यहाँ पर से इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट होंगे, इलेक्ट्रॉन निकला, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के निकलने से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गन लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन गन क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन यहाँ पर से इजेक्ट करवाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से इजेक्ट करवाया, तो इलेक्ट्रॉन गन का तो एकदम सिंपल सा काम हम लोग जानते हैं, बचपन में भी पढ़े होंगे, इलेक्ट्रॉन गन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को किया वो, ये तो हम लोग जानते हैं। कंट्रोल ग्रिड क्या करता होगा, कुछ ना कुछ कंट्रोल कर रहा है, तो ये कंट्रोल करेगा कि कितना इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा। बोलने का मतलब ये कि ये इंटेंसिटी को कंट्रोल करेगा, हमारी ये जो रे की जो इंटेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन बीम की जो इंटेंसिटी है, लाइट की जो इंटेंसिटी होगी, उसको क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। कैसे कंट्रोल करेगा, तो भैया यहाँ पे अलग अलग वोल्टेज लेवल्स होते हैं, तो अलग अलग कम वोल्टेज लेवल दूंगा तो कम इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो कम इंटेंसिटी होगी। तो यहाँ पर से हम लोग कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, अलग अलग वोल्टेज लेवल की सेटिंग करके। तो यहाँ पर से इलेक्ट्रॉन निकला, अब यहाँ पे लगा हुआ है फोकसिंग सिस्टम क्या करेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन बीम जो हर डायरेक्शन में प्रोपगेट करिए, इसको ये कन्वर्ज करा देगा एक सिंगल डायरेक्शन में। इसका हुआ प्रोपगेशन, उसके बाद फिर यहां पे लगी हुई है एक कॉइल, बोलने का मतलब एक कंडक्टर है। तो कंडक्टर क्या करता है, भैया हमारा चार्ज मोशन में है, ठीक है, चार्ज मोशन में, इसका मतलब वहां पे जरूर करंट जनरेट होगी। कोई भी चार्ज मोशन पे आ जाता है तो वहां पे करंट जनरेट होती है कि नहीं होती है, बिल्कुल होती है। तो करंट अगर यहां पे जनरेट हो गई एक कॉइल में, तो हम लोग अच्छे जानते हैं क्लास 12th में हम लोग पढ़े होंगे, कोई भी एक कॉइल में करंट जनरेट हो गई, इसका मतलब क्या, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो गया। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है भाई, मैग्नेटिक फील्ड एक ऐसा इलाका होता है जहां पे कोई चार्ज पार्टिकल अगर एंटर कर गया तो उस पे लगेगा फोर्स, ठीक है, वो भाई लोग के इलाके में एंटर नहीं कर सकता। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, एक भाई लोग का इलाका है जहां पे अगर चार्ज पार्टिकल एंटर किया तो उस पे लगेगा फोर्स। तो वो इलेक्ट्रॉन जो सीधा सीधा जा रहा था, वो सीधा ना जाके क्या हो जाएगा, यहां पे डिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे बोलने का मतलब ये कि हम लोग यहां पे क्या किए, मैग्नेटिक फील्ड से इस चार्ज पार्टिकल को, इलेक्ट्रॉन को यहां पे डिफ्लेक्ट करा दिए। तो अब हम लोग को बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है कि कैसे डिफ्लेक्ट कराता है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से, इसका ये सब हम लोग को नहीं बताना है, ये सब हम लोग अपने चिंटू मिंटू क्लास में पढ़े होंगे। तो ये सब बेसिक बातें जो मैं आपको बता रहा था,
इलेक्ट्रॉन निकला, कैसे निकला, हीट दिए, वोल्टेज के अलग अलग सेटिंग करके कंट्रोल ग्रिड से हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। फोकसिंग सिस्टम क्या किया, कन्वर्ज किया उस इलेक्ट्रॉन बीम को, यहां पे क्या प्रोड्यूस हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, जिसके कारण क्या हुआ, ये डिफ्लेक्ट हो गया। और यहां पे जो हमारी टीवी की स्क्रीन के पीछे जस्ट क्या होता है, फॉस्फोरस की एक कोटेड स्क्रीन होती है। फॉस्फोरस की ही क्यों होती है, क्योंकि फॉस्फोरस एक ऐसा एलिमेंट है जो कि ग्लो करता है अगर उस पर कोई ना कोई हरकत हुई तो। मतलब एक ऐसा स्क्रीन है जहां पे अगर इलेक्ट्रॉन टकराया तो वहां पर से वो क्या होगा, ग्लो होगा, इसलिए हम लोग फास्फोरस की स्क्रीन लेते हैं। तो यहां पर से इसका वर्किंग आपको समझ में आया कि क्या, मैं बताया कैसे ये काम करता होगा। जैसे यहां पे ग्लो हुआ तो इसका मतलब क्या होगा, वो ग्लो होने के कारण ही क्या होगा, हमारा पिक्चर हम लोग को दिखेगा। तो इस तरीके से कैथोड रे ट्यूब हमारा कुछ वर्क करता है। यहां पर मैं एक एक कंपोनेंट की वर्किंग लिख दिया हूं, वही चीज लिखा हुआ है जो आपको बताया हूं मैं। इलेक्ट्रॉन गन एमिट करेगा इलेक्ट्रॉन व्हेन वोल्टेज इज अप्लाइड, दीज इलेक्ट्रॉन देन एक्सेलरेटेड टूवर्ड्स फॉस्फोरस कोटेड स्क्रीन। ठीक है, समझ गए। कंट्रोल ग्रिड क्या है, इंटेंसिटी को हम लोग कंट्रोल करने के लिए अलग अलग वोल्टेज लेवल से इसको यूज करते हैं। फोकसिंग सिस्टम वही बात है कि वो क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा हमारी इलेक्ट्रॉन बीम को, एक सिंगल डायरेक्शन में प्रोपोगेट करवाएगा। उसके बाद है हम लोग का डिफ्लेक्शन सिस्टम, जहाँ पे लगा होता है कॉइल्स। और थोड़ा सा यहाँ पे और नॉलेज ले लेते हैं। द डिफ्लेक्शन सिस्टम कंटेन टू सेट ऑफ डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स होते हैं वहाँ पे, डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स वहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं। वन फॉर हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन। देखिए कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हम लोग को हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन चाहिए होगा, और कभी कभी हो सकता है आपको वर्टिकल डिफ्लेक्शन चाहिए होगा। तो उसके लिए दो कॉइल्स बोलने का मतलब दो प्लेट्स हम लोग बोल सकते हैं, दो प्लेट्स लगी होती हैं। तो वहां पर से हम लोग दोनों डायरेक्शन में उसको क्या करा सकते हैं, डिफ्लेक्शन करा सकते हैं। जो हमारा सीआरटी ट्यूब है, एक वैक्यूम ट्यूब हम लोग के उसके वैक्यूम ट्यूब के ही जैसा काम करता है लगभग, जहां पे क्या होता है, इमेजेस आर रिड्यूस्ड वेयर इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक फॉस्फोरस कोटेड सरफेस। तो जो हमारी इमेज है वो बड़ी सी इमेज हम लोग को क्या दिखती है, एक छोटी सी इमेज में दिखती है, जैसी इलेक्ट्रॉन बीम स्ट्राइक करता है फॉस्फोरस कोटेड स्क्रीन को। ठीक है, परसिस्टेंस आपको बताया मैं कि टाइम रिक्वायर्ड जो डिले होता है 1/10 ऑफ द ओरिजिनल इंटेंसिटी, ओरिजिनल इंटेंसिटी का 1/10 होने में जो हम लोग को जो टाइम का डिले है उसी को क्या बोलते हैं, परसिस्टेंस बोलते हैं। रिफ्रेश रेट क्या होता है, देखिए भाई ऐसा भी होगा कि हमारी जो स्क्रीन है लगातार तो उसमें क्या इलेक्ट्रॉन्स पड़ते रहेंगे, तो हम लोग को क्या करना पड़ता है, हमारी जो हमारा जो इमेज है वो लगातार हम लोग को दिखे, कॉन्स्टेंटली दिखे, हमारी इंटेंसिटी एकदम कॉन्स्टेंट हम लोग को दिखे। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, लगातार स्क्रीन को थोड़े थोड़े टाइम इंटरवल के बाद रिफ्रेश करते हैं। तो ये रिफ्रेश रेट यहां पे वही लिखा है, टू रिफ्रेश एन इमेज पर सेकेंड फॉर कीपिंग द कैथोड रे जनरेटर इमेज इंटेंसिटी कॉन्स्टेंट। इट सिंपली मीन्स, मतलब कुल मिला के बोलने का मतलब क्या है, नंबर ऑफ टाइम कितने बार रिफ्रेशिंग किया गया, रिपीटेड नंबर ऑफ टाइम्स इन यूनिट टाइम, एक सिंगल यूनिट टाइम पे, उसी को हम लोग क्या बोले, रिफ्रेश रेट बोले। कुल मिला के बोलने का मतलब आप समझ गए होंगे कि हर एक इमेज को, मेरे को किसी भी इमेज को देखना है उसकी इंटेंसिटी को कॉन्स्टेंटली देखना है, तो लगातार हम लोग को क्या करना पड़ेगा, रिफ्रेश करना पड़ेगा। और उस रिफ्रेशिंग रेट को पर यूनिट टाइम हम लोग क्या बोलेंगे, रिफ्रेश रेट बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे वही चीज़ लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, रिफ्रेशिंग ऑफ सीआरटी क्यों किया जाता है, वही चीज़ जो आपको बताया, इन ऑर्डर टू कीप फॉस्फोरस ग्लोइंग, लगातार ग्लो करने के लिए वी नीड टू रीड्रॉ द पिक्चर रिपीटेडली बाय डायरेक्टिंग इलेक्ट्रॉन बीम बैक ओवर द सेम पॉइंट अगेन एंड अगेन। तो आपको लगातार अगर पिक्चर देखनी है तो लगातार आपके इलेक्ट्रॉन जब स्ट्राइक करेंगे तभी वो ग्लो होगा हमारा स्क्रीन, तभी आपको इमेज दिखेगा। तो हम लोग को उसके लिए क्या करना पड़ेगा, लगातार रिफ्रेश करना पड़ेगा अपने स्क्रीन को। ठीक है, तो उसी को रिफ्रेश रेट बोला जाता है। तो रिफ्रेश रेट सेट किया जाता है वहां पे। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड रिफ्रेशिंग ऑफ सीआरटी। अब उसके बाद फिर मेजर कंपोनेंट हमारे क्या क्या थे, तो इलेक्ट्रॉन गन था, इलेक्ट्रॉन बीम है, समझ गए, फोकसिंग कॉइल थी, ये भी समझ गए, डिफ्लेक्शन कॉइल थी, ये भी बता दिया आपको। उसके बाद फिर एनोड फॉर्मेशन, एनोड है, एनोड की मदद से वहां पे क्या हुआ है, वोल्टेज लेवल्स को हम लोग इधर उधर कर पा रहे हैं। शेडो मास्क का यूज हम लोग सीआरटी के साथ करते हैं ताकि हम लोग को कलर्ड इंटेंसिटी मिले, कलर्ड लाइट मिले, इसका हम लोग यूज करते हैं। फॉस्फर लेयर जो कि हम लोग बताया फॉस्फोरस कोटेड स्क्रीन में होती है। तो वर्किंग में यहाँ पे वही सारी चीजें लिखी हुई जो मैं आपको बताया हूं, तो इसको आप रीड कर लीजिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। रास्टर स्कैन सिस्टम या फिर रास्टर स्कैन डिस्प्ले काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो क्या है ये रास्टर स्कैन सिस्टम। तो सिंपल सी बात है कि आपकी ये जो स्क्रीन है इसमें जो हमारा जो भी हम लोग बोलेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बीम जो होता है, इलेक्ट्रॉन बीम लगातार टकराती है हमारे फॉस्फोरस स्क्रीन से। तो ये अगर मेरा स्क्रीन है तो लेफ्ट टू राइट,
ठीक है, लेफ्ट टू राइट, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कैसे स्कैन करेगा रेस्टर स्कैन सिस्टम में, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से लेकर राइट तक वो पूरा स्कैन किया, ठीक है, और फिर ऊपर से नीचे, ठीक है, टॉप टू बॉटम, पहले ऊपर पहला वाला रो किया, फिर अगला वाला रो किया, फिर अगला वाला रो किया, तो कुल मिला के इस तरीके का जो अप्रोच होता है, इस तरीके का जो स्कैनिंग होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं रास्टर स्कैन सिस्टम। तो इसको एक बार रीड कर लेते हैं। इन दिस सिस्टम इलेक्ट्रॉन बीम इज स्वेप्ट अक्रॉस वन रो एट अ टाइम, एक रो एक बार में, और कैसे, लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, बोलने का मतलब लेफ्ट टू राइट स्कैन किए, फिर अब क्या हुए, नीचे आए हम लोग, तो इसलिए यहां पे लिखा है टॉप टू बॉटम। इलेक्ट्रॉन बीम मूव across each row, the beam intensity is turned on and off to create a pattern of illuminated spot. तो मतलब कुल मिला के बोलने का मतलब इलेक्ट्रॉन बीम लगातार ऐसे स्कैन करती है और जहां पे भी हम लोग को ग्लो कराना है तो वहां पे उसका इंटेंसिटी क्या ऑन और ऑफ किया जाता है, जिससे हमारी को क्या दिखती है, पिक्चर दिखती है, पिक्चर ग्लो करती है उस फॉस्फोरस स्क्रीन में, ठीक है। अब अगला पॉइंट लिखा है यहाँ पे, पिक्चर डेफिनेशन इज स्टोर्ड इन मेमोरी एरिया कॉल्ड फ्रेम बफर या फिर रिफ्रेश बफर। तो एक एरे होता है, एरे होता है जहां पे हम लोग का जो पिक्चर डेफिनेशन है उसकी मेमोरी, वो एक मेमोरी है एरे का, जहां पे हमारे पिक्चर डेफिनेशन को स्टोर किया जाता है। तो रास्टर सिस्टम में हम लोग को थोड़ा मेमोरी ज्यादा लगता है, हम लोग को फ्रेम बफर लगेगा, जहां पे पिक्चर की डेफिनेशन को स्टोर कर लिया जाता है पहले से, उसके बाद फिर जो भी जरूरत पड़ी उसको वहां से निकाल के यूज किया जाता है। तो यहां पे हम लोग को मेमोरी लगेगा, बफर या फिर रिफ्रेश बफर जिसको बोला जाता है। क्या होता है, एक बार रीड कर लेते हैं, दिस मेमोरी एरिया होल्ड द सेट ऑफ इंटेंसिटी वैल्यू फॉर ऑल द स्क्रीन पॉइंट्स। बोलने का मतलब क्या कि स्क्रीन के हर पॉइंट का इंटेंसिटी वैल्यू उस एरे में स्टोर होगा, उस एरे में स्टोर होगा, इसका मतलब जो भी इंटेंसिटी वैल्यू चाहिए वो हम लोग निकाल के क्या कर सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं। तो देखिए कि यहाँ पे जैसे मैं आपको बताया कि पहले लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, उसके बाद फिर टॉप टू बॉटम होता है। तो लेफ्ट टू राइट पहले ऐसे स्कैनिंग हुई, ऐसे ऐसे लेफ्ट टू राइट स्कैनिंग होती है। तो यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी जो होती है वो क्या है कि ये जो हम लोग का पॉइंट, ये वाला जो कॉर्नर वाला पॉइंट है और ये वाले कॉर्नर को अगर जोड़ा जाए तो इसको बोला जाता है वर्टिकल ट्रेस। और हॉरिजॉन्टल ट्रेस बोलने का मतलब ये जो हमारा हॉरिजॉन्टली पहले हम लोग गए और यहां से जब हम लोग फिर से इस पॉइंट पे आते हैं ना, तो इसको बोला जाता है हॉरिजॉन्टल ट्रेस, और ये क्या हम लोग का वर्टिकल ट्रेस है। तो ये एक क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स में, तो यहां पे मैं लिख दिया हूं हॉरिजॉन्टल रीट्रेस, सॉरी रीट्रेस उसको बोला जाता है। तो ये क्या है, द रिटर्न टू द लेफ्ट ऑफ द स्क्रीन ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम आफ्टर स्कैनिंग द होल स्कैन लाइन ऑन टू द बिगनिंग ऑफ नेक्स्ट स्कैन लाइन, इसे को क्या बोला जाता है हॉरिजॉन्टल ट्रेस, जो कि मैं आपको बताया। वर्टिकल रीट्रेस का मतलब जो कॉर्नर पॉइंट वाले को जोड़ोगे तो रिटर्न टू द फर्स्ट लेफ्ट स्क्रीन आफ्टर रिफ्रेशिंग द लास्ट स्कैन लाइन, तो उसी को क्या बोला जाता है वर्टिकल ट्रेस। मतलब कुल मिला के ये जो हम लोग यहां पर से यहां गए इसको बोला गया हॉरिजॉन्टल ट्रेस, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं वर्टिकल ट्रेस बोलते हैं, ठीक है, समझ गए। तो सिंपल सी बात थी। एडवांटेज के ऊपर हम लोग बात करते हैं अब। तो सबसे पहला एडवांटेज है यहां पे लाइंस प्रोड्यूस्ड आर जिगजैग, जो यहां पे लाइंस प्रोड्यूस होती है वो जिगजैग नेचर की होती है, तो हमारी जो वैल्यूज होती है ना वो डिस्क्रीट वैल्यूज होती है। तो जब स्कैनिंग करता है तो अगर जिगजैग फैशन में करेगा तो तुरंत पकड़ लेता है हमारे पॉइंट्स को और तुरंत हम लोग को क्या दिखेगा फॉस्फोरस ग्लो हो जाता है, जिसके कारण क्या होगा लगातार हम लोग को इमेज एकदम बिना परसिस्टेंस। एडवांटेज देख लेते हैं अब हम लोग। पहला पॉइंट है यहाँ पे हम लोग का, लाइन प्रोड्यूस आर जिगजैग एस प्लॉटेड वैल्यूज आर डिस्क्रीट। इसका बोलने का मतलब जो हमारी प्लॉटेड वैल्यूज होती है वो डिस्क्रीट होती है, तो अगर जिगजैग मोशन में अगर मैं स्कैनिंग करूँ तो वो सबसे ज्यादा जल्दी वो पकड़ लेगा कि कहाँ कहाँ पे हमारे प्लॉटेड पॉइंट्स हैं। तो इसलिए थोड़ा ये एडवांटेज है यहाँ पे। हाई डिग्री ऑफ रियलिज्म अचीव होता है यहाँ पे, ठीक है, विथ एड ऑफ एडवांस शेडिंग एंड सरफेस टेक्निक। तो यहाँ पे सरफेस टेक्निक और एडवांस शेडिंग का यूज किया जाता है, जिससे हम लोग को थोड़ा अच्छा खासा रियलिज्म मिलता है यहाँ पे। थोड़ा यहाँ पे लेस मेमोरी कॉस्ट, मेमोरी का कॉस्ट यहाँ पे हम लोग को उतना ज्यादा नहीं लगता, ठीक है, मेमोरी तो बिल्कुल लगती है क्योंकि हम लोग को एरे लगा वहाँ पे, बफर लगा, लेकिन उतना ज़्यादा भी नहीं। यहाँ पे सिर्फ इंटेंसिटी को स्टोर कराया जा रहा है तो बहुत ज़्यादा मेमोरी आपको नहीं लगेगा, ठीक है, तो ये उसको एडवांटेज में हम लोग बोल सकते हैं। डिसएडवांटेज की अगर बात करें तो भैया ये जो बड़ा बड़ा टाइप का जो स्कैन सिस्टम है, इसके जो मशीन बनते हैं, इसके बड़ी बड़ी मशीन बनती है और बहुत बड़ा बड़ा स्पेस खाता है ये। रिजोल्यूशन इसका कम होता है, रियलिज्म तो प्रोवाइड कर रहा है लेकिन रिजोल्यूशन इतना ज़बरदस्त नहीं है। उसके बाद फिर रिक्वायर्स वही फिर
फिर से वही चीज़ है जो हम लोग एडवांटेज में एक तरफ बोल रहे हैं उसी को डिसएडवांटेज में लिख रहे हैं। तो बोलने का मतलब वही कि यहाँ पे मेमोरी का कॉस्ट तो कम होता है लेकिन जो साइज होता है वो मेमोरी का वो थोड़ा ज़्यादा रहेगा। ठीक है, लगभग जो हमारा साइज है मेमोरी का वो क्या रहेगा, साइज काफ़ी बड़ा रहेगा लेकिन जो हमारा कॉस्ट है ना मेमोरी का वो कम ही रहेगा। ठीक है, कॉस्ट कम रहेगा लेकिन साइज जो रहेगा वो काफ़ी बड़ा रहेगा, जिसको हम लोग फ्रेम बफर बोल रहे थे। उसके बाद फिर अगर हम लोग बात करें अगले स्कैन सिस्टम की, तो रैंडम स्कैन सिस्टम हम लोग देखने वाले हैं। क्या है ये रैंडम स्कैन सिस्टम? तो इन रैंडम स्कैन डिस्प्ले द रैंडम स्कैन मॉनिटर ड्रॉज अ पिक्चर वन लाइन एट अ टाइम। तो यहां पे क्या होता है, वहां पे क्या होता था कि लगातार हम लोग क्या करते थे, लेफ्ट टू राइट स्कैनिंग करते थे। ठीक है, लेफ्ट टू राइट इन अ रो, फिर वहां पर से टॉप टू बॉटम। तो यहां पे क्या करते हैं, एक लाइन को हम लोग एक बार में ड्रॉ करते हैं। ठीक है, लाइन बाय लाइन जो भी ड्रॉ करना है लाइन बाय लाइन करना है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं रैंडम स्कैन सिस्टम। तो देयरफॉर इट इज ऑल्सो नोन एज कैलीग्राफिक डिस्प्ले भी बोला जाता है इसको। द रिफ्रेश रेट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ लाइन्स टू बी डिस्प्लेड, तो उस पर डिपेंड करता है रिफ्रेश रेट की कितनी ज़्यादा लाइन्स आपको बनानी है। पिक्चर डेफिनेशन को यहाँ पे स्टोर किया जाता है, वहाँ पे कहाँ पे स्टोर करते थे हम लोग, वहाँ पे हम लोग स्टोर करते थे बफर में। कौन से बफर में? रिफ्रेश बफर बोला जाता था। यहाँ पे हम लोग वही पिक्चर डेफिनेशन को किस में स्टोर करके रखें, एज लाइन ड्रॉइंग कमांड्स इन एन एरिया ऑफ मेमोरी रिफर्ड एज, एक फाइल ही बना दिए हैं। प्ले आर डिजाइन फॉर लाइन ड्रॉइंग एप्लीकेशन के लिए इसको ज़्यादा यूज किया जाता है, और कैन नॉट ड्रॉ रियलिस्टिक और शेडेड सीन, ये रियलिस्टिक और शेड नहीं बना सकता, ये लाइन ड्रॉइंग एप्लीकेशन के लिए ही बेहतर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इसके एडवांटेज काफ़ी ज़बरदस्त रिजोल्यूशन, लाइन ही बना रहे तो होगा ही रिजोल्यूशन अच्छा, एनिमेशन काफ़ी आसान होती है। ठीक है, डिसएडवांटेज पे अगर हम लोग आते हैं तो यहाँ पे ज़बरदस्त इलेक्ट्रॉन बीम का इंटेलिजेंस चाहिए, मतलब यहाँ पे हम लोग को प्रोसेसर कंट्रोल इलेक्ट्रॉन बीम चाहिए, और साथ ही साथ यहाँ पे कलर कैपेबिलिटी भी बहुत कम होती है, कलर यहाँ पे काफ़ी लिमिटेड रहते हैं। तो ये था हमारा रैंडम स्कैन सिस्टम। ठीक है, रास्टर और रैंडम में आपको डिफरेंस ज़्यादातर पूछ सकता है, तो आप आराम से लिख सकते हैं क्या क्या डिफरेंस लिखेंगे। सबसे पहला तो वहाँ पे जो स्कैनिंग होती थी लेफ्ट टू राइट होती थी, टॉप टू बॉटम। ठीक है, लेफ्ट टू राइट इन अ रो और टॉप टू बॉटम हम लोग करते थे। उसके बाद फिर हम लोग लिख सकते यहाँ पे जो पिक्चर डेफिनेशन है उसको स्टोर किया जाता है रिफ्रेश डिस्प्ले फाइल में, वहां पे कहां स्टोर करते थे, रिफ्रेश बफर में। उसके बाद हम लोग लिख सकते हैं वहां पे, यहाँ पे रिफ्रेश रेट डिपेंड करती है नंबर ऑफ लाइंस, यहाँ पे जो भी हम लोग बनाते हैं नंबर ऑफ लाइंस के ही द्वारा बनाते हैं। ठीक है, वन लाइन एट अ टाइम बनाएं। ठीक है, उसके बाद फिर और क्या क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको हम लोग यूज़ नहीं कर सकते रियलिस्टिक ड्राइंग के लिए, ये सिर्फ और सिर्फ लाइन ड्राइंग एप्लीकेशन है, उसको हम लोग रियलिस्टिक इमेजेस बनाने के लिए, इमेजेस स्कैन करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये सब डिफरेंस हम लोग लिख सकते हैं आसानी से, एडवांटेज डिसएडवांटेज को भी हम लोग आराम से डिफरेंस में लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे 7 मार्क्स आराम से गेन कर सकते हैं। आगे बढ़ आर्किटेक्चर अब हम लोग देख लेते हैं। अगर आपको अपने आंसर का लेंथ थोड़ा लंबा करना है, थोड़ा बढ़ाना है, तो हम लोग यहाँ पे इसका यूज कर सकते हैं। तो ये क्या है, हम लोग का एक आर्किटेक्चर है, कैसे हमारा रास्टर सिस्टम काम करता है, उसका ब्लॉक डायग्राम है। तो इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। क्या है ये, सिस्टम बस है। सिस्टम बस किससे कनेक्टेड है, ऑब्वियसली सीपीयू से तो कनेक्टेड होगा ही। डिस्प्ले प्रोसेसर जो कि डिस्प्ले के बारे में ध्यान रखेगा। मेमोरी सिस्टम जो कि मेमोरी सिस्टम के मेमोरी के बारे में ध्यान रखेगा, ये तो हमारा अभी कंप्यूटर ही बना। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे डिस्प्ले प्रोसेसर मेमोरी रहती है, एक प्रोसेसर रहता है जो कि डिस्प्ले के बारे में ही ध्यान रखेगा। ठीक है, उसके बाद फिर फ्रेम बफर, जैसे कि आपको बताया इसके लिए क्या होना चाहिए, पिक्चर डेफिनेशन स्टोर करेगा ये फ्रेम बफर। उसके बाद फिर एक स्कैन कंट्रोलर होता है, जहां पे जितना भी स्कैन होता है उस वो कंट्रोल करता है, लेफ्ट टू राइट जाना चाहिए, फिर टॉप टू बॉटम जाना चाहिए, वो स्कैनिंग कंट्रोल करता है, और इस तरीके से हम लोग को वो डिस्प्ले होता है इमेज। वैसे ही हम लोग यहाँ पे रैंडम स्कैन के लिए भी देख लेते हैं, बहुत सिंपल सा आइडिया है, सिस्टम बस है हमारा, और साथ ही साथ यहाँ पे आईओ डिवाइसेस से भी ये कनेक्ट होगा ना हमारा सिस्टम बस, ये आप नहीं भूलेंगे। अब यहाँ पे देखिए सिस्टम बस है, आईओ डिवाइसेस से कनेक्ट है, सीपीयू से तो कनेक्ट होगा ही, सिस्टम मेमोरी से तो कनेक्ट होगा ही, ऑब्वियसली सीपीयू है अपना। उसके बाद फिर देखिए डिस्प्ले प्रोसेसर यहाँ पे भी, और डायरेक्टली हम लोगों को क्या दिख जाएगा, मॉनिटर पे इमेज दिख जाएगा। तो काफ़ी सिंपल है इसका आर्किटेक्चर रैंडम स्कैन का एज कम्पेयर टू रास्टर स्कैन। आगे बढ़ते हैं, तो अगर हम लोगों को कलर चाहिए, अब कैथोड रे ट्यूब के बारे में बात करें, अभी तक के हम लोग ब्लैक एंड व्हाइट जमाने की चर्चा कर रहे थे, अब हम लोग आ गए थोड़े से मॉडर्न, मतलब 2000s और 2000 के बीच का टाइम जब कलर टीवी इंट्रोड्यूस हुआ था, तो उस ये जो मेथड को यूज़ किया जाता है वही यहाँ पे हम को डिस्कस करना है। यहाँ पे देखिए दो तरीके से हम लोग कैथोड रे ट्यूब में कलर ला सकते हैं उनके मॉनिटर्स में। तो क्या किया जाता था, एक मेथड है हम लोग का बीम पेनिट्रेशन मेथड, और दूसरे मेथड को बोला जाता है शैडो मास्क मेथड। तो जो हमारा पहला पॉइंट लिखा है इसको पहले रीड कर लेते हैं।
कि देखिए यहाँ पे हम लोग कलर सीआरटी मॉनिटर में आखिर करना क्या चाह रहे हैं, तो कलर सीआरटी में हम लोग रेड ग्रीन और ब्लू कलर को हम लोग मिक्स करके हम लोग अलग अलग कलर्स बना रहे हैं। तो पिक्सल इज डिवाइडेड इनटू फॉस्फोरस डॉट फॉर रेड ग्रीन एंड ब्लू कलर, ठीक है। उसके बाद फिर देखिए फॉर ईच कलर देयर इज सेपरेट इलेक्ट्रॉन गन इंटेंसिटी ऑफ सिंगल कलर इज डिटरमाइंड बाय वोल्टेज फॉर द बीम, मतलब कि हमारे एक एक कलर के लिए सेपरेट इलेक्ट्रॉन गन होगा, हम लोग इसमें यूज करेंगे अलग अलग, शेडो मास्किंग में हम लोग यूज करेंगे अलग अलग इलेक्ट्रॉन गन, लेकिन बीम पेनिट्रेशन में हम लोग एक ही इलेक्ट्रॉन गन का यूज करेंगे। ये जो पॉइंट लिखा है ये इसके लिए लिखा हुआ है, ये जो पॉइंट लिखा हुआ है शेडो मास्क के लिए लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जनरली हम लोग बात ये करेंगे कि हम लोग एक ही गन से, एक ही इलेक्ट्रॉन गन से अलग अलग रेड ग्रीन और ब्लू कलर की इंटेंसिटी को वहाँ पे वेरिएशन लाएंगे, वहाँ पे अलग अलग तरीके से वो हिट करेंगी फॉस्फोरस स्क्रीन को, पेनिट्रेशन होगा, मैं आपको अभी बताऊंगा तो इसका पूरा आइडिया क्लियर हो जाएगा। और शेडो मास्किंग में क्या कर रहे हैं हम लोग, एक एक कलर के लिए एक इलेक्ट्रॉन गन ही दे दिए, तो वहाँ पे क्या होगा, एक ज़बरदस्त थोड़ा अच्छा खासा इमेज बनेगा, थोड़ा अच्छा खासा हम लोग को कलर दिखेगा, कलर का वैरायटी बढ़ जाएगा एज कम्पेयर टू बीम पेनिट्रेशन। तो अब हम लोग इसके, तो पहला जो हम लोग का है वो क्या है, बीम पेनिट्रेशन है। तो देखिए बीम पेनिट्रेशन में आखिर जो आइडिया रहता है वो क्या रहता है, बीम पेनिट्रेशन को हम लोग यूज़ करते हैं रैंडम स्कैन सिस्टम में, जहाँ पे हम लोग को लाइंस के ऊपर कलर करना होता है जनरली। तो देखिए यहाँ पे आइडिया जो रहता है कुछ इस तरीके का होता है कि हम लोग दो फॉस्फोरस लेयर्स लेते हैं, जो हमारी स्क्रीन रहती है ना वहाँ पे दो फॉस्फोरस लेयर लगा देते हैं, एक लाल कलर की और हरी कलर की, रेड और ग्रीन। और जो हमारा इलेक्ट्रॉन है, अगर ये जो अलग अलग लेयर्स हैं इसके पेनिट्रेशन पे डिपेंड करता है, कितना अंदर ये पेनिट्रेट हुआ मेरा इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हम लोग को कौन सा कलर दिखेगा। तो देखिए इसका आइडिया जो एक बार रीड करते हैं कि सबसे पहले तो ये रैंडम स्कैन सिस्टम के लिए एप्लीकेबल है। उसके बाद फिर इन बीम पेनिट्रेशन मेथड दो लेयर ऑफ फॉस्फोरस ग्रीन और रेड उसको कोट किया गया सीआरटी स्क्रीन में, और जो कलर डिपेंड ऑन कितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन हमारा पेनिट्रेट करता है उस फॉस्फोरस लेयर में। जो हमारा स्लो मूविंग इलेक्ट्रॉन है ना वो लाल कलर को ग्लो करवाएगा, और जो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है वो ग्रीन कलर को ग्लो करवाएगा, ठीक है, क्योंकि ग्रीन कलर क्या होता है, अंदर होता है, रेड कलर बाहर होता है, ठीक है। स्लो मूविंग इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइट करेगा इनर रेड कलर को, ठीक है, इनर रेड कलर को, और जो फास्ट मूविंग है वो आउटर ग्रीन लेयर को क्या करेगा, हम लोग का आउटर ग्रीन लेयर को ग्लो करवाएगा। तो आइडिया बहुत सिंपल सा है कि अगर बहुत फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है आएगा, पहली लेयर को चीरता हुआ निकला और जाके सीधा ग्रीन में गया तो ग्रीन कलर दिखेगा, अगर इलेक्ट्रॉन की स्पीड कम है जाके रेड पे ही अटक गया तो क्या दिखेगा, रेड कलर दिखेगा, अगर इलेक्ट्रॉन रेड को तो चीर के निकल गया और ग्रीन पे जाके थोड़ा सा जाके चिपक गया, अटक गया, तो हम लोग को उन दोनों के बीच का कलर दिखेगा। तो कुछ इस तरीके का आइडिया रहता है, इंटरमीडिएट स्पीड को हम लोग प्रोड्यूस करते हैं कॉम्बिनेशन से, जिससे हम लोग अलग अलग कलर देख सकते हैं। लेकिन हम लोग यहां पे थोड़ा, यहां पे सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है कि हम लोग चार ही कलर देख सकते हैं, एक तो रेड, एक ग्रीन, दूसरा ऑरेंज, और रेड अगला है यहाँ पे। इंटरमीडिएट स्पीड प्रोड्यूस द कॉम्बिनेशन ऑफ रेड एंड ग्रीन टू शो टू एडिशनल कलर ऑरेंज एंड येलो। तो ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यहाँ पे यही है कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ चार ही कलर देख सकते हैं यहाँ पे, एक है हम लोग का येलो, एक है हम लोग का ऑरेंज, एक है रेड और एक है ग्रीन। तो अगर ग्रीन में गया तो ग्रीन दिखेगा, ठीक है, ग्रीन तक के पेनिट्रेट कर गया तो ग्रीन दिखेगा, अगर रेड में जाके पेनिट्रेट करके रुक गया तो हम लोग को रेड कलर दिखेगा, अगर रेड को पेनिट्रेट कर गया है ग्रीन तक के वो जस्ट पहुंचा है तो रेड ज्यादा और ग्रीन थोड़ा कम तो हम लोग को क्या दिखेगा, ऑरेंज दिखेगा, और अगर वो क्या हुआ ज्यादा ग्रीन हो गया रेड कम हुआ तो क्या दिखेगा, ज्यादा ग्रीन रेड कम तो क्या दिखेगा, येलो दिखेगा। तो ये हम लोग सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि हम लोग को कम कलर दिखे सबसे पहला तो, और उसके बाद फिर क्वालिटी जो है वो इतना अच्छा खासा नहीं रहता, तो ये इसका डिसएडवांटेज है। आगे बढ़ते हैं, तो अगला मेथड हम लोग देखने वाले शेडो मास्क मेथड जिसको बोला जाता है। तो शेडो मास्क मेथड में क्या किया जाता है, दिस मेथड प्रोड्यूस मच वाइड रेंज ऑफ कलर, ये बहुत अलग अलग रेंज के कलर प्रोड्यूस करता है। देखिए वहां पे तो सिर्फ हम लोग चार ही कलर प्रोड्यूस करवा पा रहे थे, यहां पे तो इनॉर्मस कलर, कितने कलर आपको मैं बता रहा हूं, 17 मिलियन कलर्स आर पॉसिबल विद 24 बिट ऑफ स्टोरेज पर पिक्सल एंड नोन एज ट्रू कलर सिस्टम। मतलब बोलने का मतलब 17 मिलियन कलर में यहां पे क्या कर सकता हूं, प्रोड्यूस कर सकता हूं, क्योंकि यहां पे जो मेरा स्टोरेज का यूनिट है वो 24 बिट्स है। अगर मैं आपको एक बिट दूं तो आप कितने नंबर उसमें स्टोर करा सकते हैं, या तो जीरो कराएंगे या तो वन कराएंगे, ठीक है। तो अगर मैं 24 बिट दूंगा तो आपको कितने आप स्टोर कर सकते हैं, 2 की पावर 24 के ऑर्डर का मतलब 17 मिलियन कलर्स यहां पे पॉसिबल है, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पे इसको रीड करते हैं आखिर ये इसका आइडिया क्या है। तो यहाँ पे हम लोग एक एक कलर के लिए एक एक इलेक्ट्रॉन बीम ही डेडिकेट एक एक इलेक्ट्रॉन गन ही डेडिकेट कर दिए हैं, जहां पर से अलग अलग कलर अलग अलग इलेक्ट्रॉन गन से निकलेगा। ठीक है, तो दिस मेथड प्रोड्यूसेस मच वाइड रेंज ऑफ कलर्स देन बीम पेनिट्रेशन मेथड। देयर आर थ्री फॉस्फोरस डॉट, यहाँ पे जैसा कि आपको पता कि तीन फॉस्फोरस डॉट होगा तो एट ईच पिक्सल पोजिशन एंड ईच डॉट एमिट्स रेड ब्लू और ग्रीन कलर। ठीक है, और सीआरटी हैज तीन इलेक्ट्रॉन गन, हर एक पोजीशन पे हम लोग को तीन तो क्या दिखेंगे, तीन तो फास्फोरस डॉट दिखेंगे रेड ग्रीन और ब्लू कलर के, और इसीलिए हम लोग यूज करते हैं तीन तो इलेक्ट्रॉन गन। तो भैया जो कलर की इलेक्ट्रॉन गन उस पे स्ट्राइक की वो कलर हम लोग को दिख जाएगा। इट हैज शेडो मास्क ग्रिड जस्ट बिहाइंड द फास्फोरस कोटेड स्क्रीन। तो सबसे पहले इसका डायग्राम देख लेते हैं ना, ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो देखिए इस तरीके का हम लोग को फॉस्फोरस स्क्रीन रहता है, तो ये रेड ऐसे टकराया, ग्रीन ऐसे टकराया, ब्लू ऐसे टकराया, और हम लोग को जो भी कलर चाहिए होगा वो इसके हिसाब से दिखेगा। अगर सिर्फ ग्रीन गया तो ग्रीन दिखेगा, ब्लू गया तो ब्लू दिखेगा, रेड गया तो रेड दिखेगा, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन जा सकता है। आप समझ सकते हैं कि अलग अलग हम लोग यहाँ पे कलर प्रोड्यूस करवा सकते हैं। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हाई क्वालिटी रास्टर ग्राफिक सिस्टम 24 बिट पर पिक्सल अलाउइंग 256 वोल्टेज सेटिंग फॉर ईच इलेक्ट्रॉन गन दैट इज 8 बिट स्टोरेज फॉर वन कलर। मतलब एक कलर के 8 पॉसिबल वेरिएशन हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। आप सुने ही होंगे अलग अलग टाइप के रेड होते हैं, अलग अलग टाइप के बहुत सारी चीज, मतलब कैसा कैसा रेड होता है, कैसा कैसा, मतलब क्या बोलूँ हम, ठीक है आपको ज्यादा पता होगा। तो हम लोग 256 अलग अलग वोल्टेज सेटिंग से अलग अलग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कलर प्रोड्यूस करा सकते हैं 8 बिट के स्टोरेज एक कलर को अगर हम लोग दे, तो 8 वेरिएशन एक कलर का अगर हम लोग को मिलेगा तो हम लोग कितने सारे कलर प्रोड्यूस कर सकते हैं, यहाँ पे 17 मिलियन कलर से यहाँ पे प्रोड्यूस करा सकते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखते हैं। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे क्या है, कलर वेरिएशन आर ऑब्टेन्ड बाय वेराइंग द इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन बीम, जो कि हम लोग समझ गए हैं लगभग। शेडो मास्क को ही हम लोग यूज करते हैं अपने घर के टेलीविजन में। डॉट्स आर अरेंज, डॉट्स जो होती है वो दो तरीके से अरेंज हो सकती है, कोई कोई जगह पे इस तरीके का डेल्टा फॉर्मेशन ट्रायल जिसको बोला जाता है, ट्रायल फॉर्मेशन में हमारे डॉट्स अरेंज होती है, और कोई कोई जगह पे इन लाइन अरेंजमेंट होता है, ऐसा लाइन बाय लाइन होता है। ठीक है, ये ऐसा लाइन बाय लाइन अरेंजमेंट होता है डॉट्स का, और कहीं कहीं पे ऐसा डेल्टा के फॉर्म में होता है। तो ये हमारा दो तरीके का अरेंजमेंट है अपने डॉट्स का। ठीक है, तो इसका आपको आइडिया जो है वो समझ में आ गया होगा। तो शेडो मास्किंग काफ़ी बेहतर है हमारे पहले वाले बीम पेनिट्रेशन मेथड से। तो आपको ये का आइडिया समझ में आ गया होगा। अब हम लोग कुछ और चिंटू मिंटू चीज देख लेते हैं, फ्लैट पैनल डिस्प्ले वगैरह। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं अपने वीडियो को, डायरेक्ट व्यू स्टोरेज ट्यूब देख लेते हैं, कैसे इसमें हम लोग इमेज को डिस्प्ले कराते हैं, कैसे किसी पिक्चर को डिस्प्ले कराया जाता है डीवीएसटी में। तो देखिए बहुत ही सिंपल सा आइडिया है, लेकिन अगर आप इसको बुक से डायरेक्टली पढ़ने जाएंगे तो आपको काफी दिक्कत होगी। ठीक है, ऐसे ऐसे टर्म्स को यूज करेगा जहां पे आपको थोड़ा इसको समझने में दिक्कत परेशानी तकलीफ हो सकती है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे इसको समझ लेते हैं और आप एक कैजुअल रीडिंग कर लेना फिर इसके नोट्स का, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, तो आप देख के वहां पर से नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं और आप इसका एक कैजुअल रीडिंग भी मारेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। वैसे ऐसे भी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए क्या इसमें इसकी वर्किंग में आपको समझा देता हूं। यहां पे बेसिकली क्या होता है, दो इलेक्ट्रॉन गन्स होती है, एक होता है फ्लड इलेक्ट्रॉन गन और दूसरा होता है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन गन। फ्लड इलेक्ट्रॉन गन क्या कराता है, हमारे इमेज को डिस्प्ले कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, ये डिस्प्ले कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन गन है ये पैटर्न के रिस्पॉन्सिबल होता है, इमेज के जो पैटर्न है हमारी पिक्चर का पैटर्न है वो इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन गन। ये हमारा फोकस और डिफ्लेक्शन टूल है, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, फोकस कर सकते हैं अपने इलेक्ट्रॉन को और डिफ्लेक्ट भी करा सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में इस स्क्रीन में। ठीक है, उसके बाद फिर यहां पे क्या होता है, कलेक्टर होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है, ये जो फ्लड इलेक्ट्रॉन गन यहां पर से इलेक्ट्रॉन की जो बाढ़ निकलती है इसको ये क्या करता है, कंट्रोल करता है। उसके बाद फिर देखिए यहां पे हमारा कैथोड रे ट्यूब है जहां पे फास्फोरस कोटिंग लगा हुआ है, और ये हमारा स्टोरेज ग्रिड है जहां पे क्या होगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्म में, चार्ज के फॉर्म में हमारा डेटा क्या होगा, स्टोर होगा, हमारी पिक्चर की डेफिनेशन स्टोर होगी, पिक्चर का इंफॉर्मेशन यहां पे स्टोर होगा। तो देखिए इसका वर्किंग मैं आपको अब समझा देता हूं होता क्या है। यहां पे
इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे, जो ऐसे कि मैं आपको बताया कि एक दीवार है, स्टोरेज ग्रिड नाम की एक दीवार है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक हाई इलेक्ट्रॉन जो बीम है, हाई इलेक्ट्रॉन बीम सबसे पहले आके ना ये दीवार को कमजोर बनाएगा। कैसे? हाई इलेक्ट्रॉन बीम आया, ये यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है इसको डिस्प्लेस कर दिया, तो यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाएगा, ऐसे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होने से क्या, ये जो दीवार है ये इस जगह पे क्या हो गई, कमजोर हो गई। उसके बाद फिर क्या होगा, अब ये जो फ्लड इलेक्ट्रॉन है ये इस पॉजिटिव चार्ज से क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे और लगातार क्या होंगे, यहां पर से एक साथ फ्लड हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन, मतलब बाढ़ आ जाएगी और ये दीवार अब हो चुकी है कमजोर, तो ये टूट जाएगा, पेनिट्रेट कर जाएगा और जाके सीधा इस जगह पे वो जाके स्ट्राइक कर जाएगा हमारे फास्फोरस लेयर पे। तो इस तरीके का कुछ वर्किंग होता है और जो डिस्प्लेस्ड इलेक्ट्रॉन है ना वो हमारे कलेक्टर पे जाके अट्रैक्ट होते जाते हैं, तो इस तरीके का कुछ इसका वर्किंग होता है। तो यहां पे इसके नोट्स लिखे हुए हैं, चाहे तो आप इसको रीड कर सकते हैं। देखिए एक बार मैं रीड कर ही देता हूँ। द DVST कंसिस्ट ऑफ टू इलेक्ट्रॉन गन, एक प्राइमरी इलेक्ट्रॉन गन और एक फ्लड गन, जैसे मैं आपको बताया। प्राइमरी किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, पिक्चर पैटर्न के लिए। फ्लड गन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, हमारी पिक्चर डिस्प्ले के लिए। द स्टोरेज ग्रिड क्या करता है, पिक्चर इन्फॉर्मेशन स्टोर करता है एज अ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जस्ट बिहाइंड द फॉस्फोरस कोटेड स्क्रीन। उसके बाद कलेक्टर क्या करता है, वो फ्लड इलेक्ट्रॉन के फ्लो को कंट्रोल करता है, कुल मिला के मतलब ये, ठीक है। वर्किंग इसका एक बार रीड कर लेते हैं। देखिए, व्हेन हाई इलेक्ट्रॉन हिट्स द स्टोरेज ग्रिड इट डिस्प्लेसेस द इलेक्ट्रॉन क्रिएटिंग अ पॉजिटिव चार्ज, जैसा कि मैं आपको बताया। द पर्पस ऑफ स्टोरेज ग्रिड इज टू स्टोर इमेज इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्म में स्टोर करता है। द डिस्प्लेस्ड इलेक्ट्रॉन आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द कलेक्टर, जो कि मैं आपको बताया अभी। द फ्लड इलेक्ट्रॉन गन इज यूज्ड फॉर पिक्चर डिस्प्ले, वही चीज है। नाउ द कंटीन्यूअस फ्लोइंग स्लो स्पीड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फ्लड इलेक्ट्रॉन गन, वो अट्रैक्ट होंगे उस पॉजिटिवली चार्ज पे और जाके हमला बोल देंगे और वहां से पेनिट्रेट कर जाएंगे और जाके सीधा फास्फोरस लेयर पे टकरा जाएंगे। एडवांटेज की अगर बात करें तो यहां पे कोई रिफ्रेशिंग की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन यहां पे कॉम्प्लेक्स पिक्चर हम लोग बना तो सकते हैं, यहां पे सॉल्यूशन होगा, फ्लिकर्स नहीं होंगे वहां पे, बिल्कुल फ्लिकरिंग नहीं होगी हमारी इमेज की। लेकिन इसके काफी सारे डिसएडवांटेज हैं जो कि आप देख सकते हैं, लंबा चौड़ा लिस्ट है डिसएडवांटेज का। कि भैया सबसे पहला तो इसमें कलर नहीं दिखेगा, स्टैटिक इमेज बनेगी, एनिमेशन नहीं होगा, स्लो प्रोसेस होगा, अगर हम लोग को मॉडिफिकेशन करना है तो पूरा इमेज फिर से ड्रॉ करना होगा, ठीक है। चेंज इन इमेज रिक्वायर्स टू जनरेट, फिर से एक नया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपको जनरेट करना होगा। तो ये काफी सारे यहां पे क्या है, डिसएडवांटेज है। फिर आते हैं अपने अगले टॉपिक पे, फ्लैट पैनल डिस्प्ले। तो फ्लैट पैनल डिस्प्ले हम लोग का दो टाइप का होता है, हम लोग बहुत ज़्यादा फेमिलियर होंगे LCD और LED से। LED तो अपने क्लास 12th में काफ़ी सारा पढ़े होंगे, लाइट एमिटिंग डायोड के बारे में पूरा, डायोड सेमीकंडक्टर, ठीक है। नॉन एमिसिव LCD के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। फिर प्लाज्मा डिस्प्ले, और प्लाज्मा डिस्प्ले जहाँ पे हम लोग गैस के थ्रू, गैस को एक ट्यूब में भर के, नियॉन गैस को ट्यूब में भर के वहाँ पे हम लोग पिक्चर को डिस्प्ले कराते हैं, वो प्लाज्मा डिस्प्ले के बारे में है। और LED जहाँ पे डायोड्स का यूज़ करते हैं, तो इसको भी मैं आपको इसका जनरल आइडिया बता देता हूँ और आप इसको रीड कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। तो फ्लैट पैनल डिस्प्ले हम लोग अच्छे से जानते हैं कि क्यों आया था, ताकि इसका रिड्यूस वॉल्यूम हो, रिड्यूस वॉल्यूम किया गया, यहाँ पे वेट को कम किया गया, पावर रिक्वायरमेंट को यहाँ पे कम, पावर रिक्वायरमेंट जितना CRT देता था उससे पावर कम ले रहा है, ये रिड्यूस वॉल्यूम है, वेट कम है, तो इसलिए एक जबरदस्त रिवॉल्यूशन आया हमारे ग्राफिक्स इंडस्ट्री में, ठीक है। उसके बाद फिर एक सिग्निफिकेंट फीचर, ये सब आप रीड कर लेंगे, बहुत चिंटू मिंटू चीज है, लैपटॉप वगैरह में यूज होती है। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे एमिसिव डिस्प्ले का मतलब क्या होता है, वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं लाइट एनर्जी में, जैसे हम लोग बोलते हैं लाइट एमिटिंग डायोड, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है लाइट एनर्जी में। और यहाँ पे नॉन एमिसिव का मतलब क्या होता है, नॉन एमिसिव डिस्प्ले का मतलब होता है द यूज ऑफ ऑप्टिकल इफेक्ट, मतलब लाइट की मदद से हम लोग क्या करते हैं, सनलाइट की मदद से हम लोग क्या किए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट किए, मतलब जस्ट उल्टा काम हम लोग कर रहे हैं, फ्रॉम अदर सोर्स इनटू ग्राफिक्स पैटर्न, मतलब कुल मिला के सनलाइट की मदद से या फिर लाइट की मदद से हम लोग ग्राफिक पैटर्न बना रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं। प्लाज्मा पैनल जैसे कि मैं आपको बताया कि वहां पे क्या करते हैं, गैस के थ्रू काम करते हैं, नियॉन गैसेस को लेते हैं जनरली, क्या है, आप एक बार रीड कर लेते हैं, बहुत सिंपल सा आइडिया है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड गैस डिस्चार्ज ट्यूब,
ठीक है, कभी ना कभी सुने होगा आपने, गैस डिस्चार्ज ट्यूब डिस्प्ले भी बोला जाता है इसको, आर कंस्ट्रक्टेड बाय फिलिंग द रीजन बिटवीन दो ग्लास प्लेट के बीच में मिक्सचर ऑफ गैस डाल देते हैं, जनरली वो क्या होता है नियोन के मिक्सचर होते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, अ सीरीज ऑफ वर्टिकल कंडक्टिंग रिबन्स इज प्लेस्ड ऑन वन ग्लास पैनल एंड अ सेट ऑफ हॉरिजॉन्टल रिबन इज बिल्ट इनटू द अदर ग्लास पैनल। तो एक ग्लास पैनल में हम लोग वर्टिकल रिबन्स लगाते हैं, दूसरे ग्लास पैनल में हम लोग हॉरिजॉन्टल रिबन्स लगाए, ठीक है। इतना तो बहुत सिंपल है। मेनली यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग फायर करते हैं वोल्टेज, ठीक है। हम लोग क्या किए, फायरिंग वोल्टेज से हम लोग अब फायर कर रहे हैं वोल्टेज, इसका मतलब क्या किए हम लोग, देखिए यहाँ पे लिखा है फायरिंग वोल्टेज आर अप्लाइड टू अ पेयर ऑफ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंडक्टर रिबन्स, जिसको हम लोग बोल रहे हैं, जिससे क्या हुआ हमारे गैसेज इंटरेक्ट की, ठीक है, दो कंडक्टर के बीच में और ब्रेक डाउन हुआ वहाँ पे, ठीक है। ब्रेक डाउन होने के कारण हम लोग को प्लाज्मा ग्लो करता हुआ दिख गया। कैसे ग्लो कर रहा है, क्योंकि वहाँ ब्रेक डाउन हुआ, बहुत सारे चार्ज वहाँ पे क्या हुए, ब्रेक हो गए, इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पे इधर फैल गए, जिसके कारण प्लाज्मा ग्लो करने लगा और उससे हम लोग को हमारा पिक्चर दिखता है। तो ये कुछ इसका आइडिया रहता है। पिक्चर डेफिनेशन इज स्टोर्ड इन अ रिफ्रेश बफर, रिफ्रेश बफर में यहां पे भी रखा जाता है, ठीक है। वैसा ही एलईडी में भी पिक्चर बफर रहता है जहां पे हम लोग स्टोर कराते हैं। देखिए यहां पे एंड पिक्सल पोजीशन यहां पे 60 टाइम पर सेकंड, मतलब कुल मिला के यहां पे फायरिंग वोल्टेज आर अप्लाइड और रिफ्रेश यहां पे किया जाता है, रिफ्रेश रेट के बारे में दिया है, 60 टाइम्स पर सेकंड हम लोग को रिफ्रेश करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, लाइट एमिटिंग डायोड का भी आपको कंसेप्ट बता दें। तो यहाँ पे हम लोग डायोड्स का यूज करते हैं। मैट्रिक्स ऑफ डायोड इज अरेंज्ड टू फॉर्म द पिक्सल पोजीशन इन द डिस्प्ले एंड द पिक्चर डेफिनेशन इज स्टोर्ड इन रिफ्रेश बफर। वही चीज है, वैसा ही है, डायोड्स का यूज करके काम करें। यहाँ पे गैस का यूज किए थे, यहाँ पे डायोड्स का यूज किए हैं, जिससे क्या हुआ, लगातार अगर मैं डायोड के अक्रॉस वोल्टेज का अगर वेरिएशन लाऊं तो मेरे को अलग अलग पिक्चर पोजीशन, अलग अलग इंटेंसिटी, अलग अलग डिस्प्ले मेरे को मिलता जाएगा। और यहाँ पे भी रिफ्रेश बफर होता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे वही चीज़ें लिखी होगी, वोल्टेज लेवल को सेट कर रहे हैं अलग अलग, ताकि अलग अलग हम लोग को पैटर्न मिल रहा है डिस्प्ले में, ठीक है। सिंपल सी बातें हैं, एलईडी अब बहुत स्मॉल इन साइज और बहुत कुछ है, बहुत सिंपल सी बातें हैं, आराम से आप इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये थोड़ा हिल गया, इसके बाद फिर अगला देखते हैं हम लोग एलसीडी। तो देखिए एलसीडी में क्या होता है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले जिसको हम लोग बोलते हैं। तो इसमें आइडिया क्या है, हम लोग क्या करते हैं, दो फिल्टर्स को 90 डिग्री पे रखते हैं। ये मेरा एक फिल्टर है, ये मेरा दूसरा फिल्टर है। और ये फिल्टर क्या करता है, बेसिकली अनपोलराइज लाइट को पोलराइज लाइट में कन्वर्ट करता है, अनपोलराइज लाइट को पोलराइज लाइट में कन्वर्ट करता है, इस तरीके का कुछ काम करता है। तो ये फिल्टर है, तो भैया ये फिल्टर, ये इसकी मर्जी, यहां पर से एक फिल्टर को हम लोग यूज कर रहे हैं अनपोलराइज लाइट को पोलराइज लाइट में बदलने में, ठीक है, वर्टिकल पोलराइज लाइट। और यहां पे जो वर्टिकल पोलराइज लाइट है, यहां पर से फिल्टर को हम लोग ऐसा फिल्टर लगाएं जिससे कोई लाइट का आउटपुट ही ना निकले, ठीक है। एक यहां पे कंपोनेंट यूज करें फिल्टर को, ये मैं आपको डिस्क्राइब किया। जब स्विच ऑफ रहेगा, जब हम लोग अपने स्विच को ऑफ रखेंगे ना, तो ये जो फिल्टर्स हैं, ये फिल्टर तो मेरा ऐसा है। अच्छा एक चीज और, अनपोलराइज लाइट और प्लेन पोलराइज लाइट का मतलब क्या होता है, अनपोलराइज मतलब कि लाइट हैविंग डायरेक्शन कन्फाइंड टू ऑल द प्लेन्स, मतलब हर एक डायरेक्शन में मेरे लाइट प्रोपोगेट करेगा। और प्लेन पोलराइज का मतलब होता है लाइट हैविंग डायरेक्शन ओनली कन्फाइंड टू द परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ द प्रोपोगेशन ऑफ वेव, मतलब कि कुल मिलाकर मेरा, अगर मैं इस तरीके का बनाऊं, ये आपने क्लास 12th में ही पढ़ा होगा, ये इस तरीके से ये मेरा अनपोलराइज लाइट है, हर डायरेक्शन में प्रोपोगेट जो करती है लाइट वो इससे पास हुई, तो यहां से ये बन जाता है प्लेन पोलराइज लाइट, जो कि एक ही डायरेक्शन में प्रोपोगेट करती है। उसका जो वाइब्रेशन होता है सिर्फ एक ही डायरेक्शन में ही हम लोग क्या करते हैं, रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। इसको प्लेन पोलराइज लाइट बोलते हैं, इसको अनपोलराइज लाइट बोलते हैं। उसके बाद फिर जब मैं स्विच को ऑफ किया ना, स्विच को ऑफ करने से ये जो मेरे लिक्विड क्रिस्टल्स हैं, लिक्विड क्रिस्टल के मॉलिक्यूल का जो ओरिएंटेशन है, ये ऐसे एकदम बिखरा बिखरा है, मतलब ये सोए हुए हैं अभी जब मैं स्विच ऑफ करके रखा हूं। लेकिन जब मैं यहां पे स्विच ऑन कर दिया ना, तो इसका ओरिएंटेशन एकदम प्रॉपर हो गया, ये सारे लिक्विड क्रिस्टल मॉलिक्यूल जो हैं एकदम खड़े हो गए, और ये हमारे दो फिल्टर्स लगे हुए हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक बार रीड करते हैं इसका वर्किंग, आराम से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, एलसीडी यूजेस लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले टू प्रोड्यूस विजिबल इमेजेस, ठीक है, ये तो हम लोग को पता है। लिक्विड क्रिस्टल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू स्टेट, सॉलिड और लिक्विड से बनाए, ये भी हम लोग को पता ही होगा। एलसीडी स्क्रीन्स आर जनरली यूज्ड इन लैपटॉप सेलफोन, ये भी पता है भाई। एलसीडी टेक्नोलॉजीज अलाउ द डिस्प्ले टू बी मच थिनर एज कम्पेयर टू, ये भी पता है आपको, बहुत सिंपल सी बातें लिखी है। एलसीडी इज कम्पोज ऑफ सेवरल लेयर विच इंक्लूड द पोलराइज पैनल फिल्टर, जैसे मैं आपको बताया, और इलेक्ट्रोड होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रोड है असलियत में बेसिकली। उसके बाद फिर क्या है, लाइट
लाइट इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम अ लेंस इनटू अ लेयर। लाइट को हम लोग कैसे प्रोजेक्ट करते हैं, एक लेंस के फॉर्म में हम लोग करते हैं, ठीक है, ओवर अ लेयर ऑफ लिक्विड क्रिस्टल। एलसीडी स्क्रीन वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ब्लॉकिंग द लाइट रादर देन एमिटिंग द लाइट। तो ये बेसिक प्रिंसिपल आपको याद रखना है, ये लाइट को एमिट नहीं करता असलियत में, ये जो लाइट आ रही है ना इसको ब्लॉक कर देता है, और जो बची कुची लाइट जो वहां से निकल रही है, जो ब्लॉक नहीं हुई है, वो हम लोग को दिखती है। तो ये इस प्रिंसिपल पे बेस्ड है। द लाइट रादर देन एमिटिंग, ये हुआ, देयर फोर एल सी डी रिक्वायर बैक लाइट एज दे डू नॉट एमिट लाइट बाय देमसेल्फ। इन लोग को क्या चाहिए रहती है, बैक लाइट चाहिए रहती है जो ये ब्लॉक करेंगे, और ये ब्लॉक करने के कारण ही ये क्या इसका मेन वर्किंग है, जो लाइट को ब्लॉक किए वो नहीं जाने दिया, और जो लाइट चला गया वो हम लोग देख पाते हैं। उसके बाद सी आर टी ड्रॉज मोर पावर एज कम्पेयर टू एल सी डी। सी आर टी ज़्यादा पावर लेता था कैथोड रे ट्यूब, एल सी डी बहुत कम पावर लेता है। अब देखिए हम लोग देख लेते हैं इसका वर्किंग कैसे एलसीडी हम लोग का काम करता है। तो देखिए बहुत सिंपल सा आइडिया है, जैसे कि मैं आपको बताया दो ग्लास पोलराइड फिल्टर्स को हम लोग यूज करेंगे। दो ग्लास पोलराइड फिल्टर्स जो होंगे हम लोग के कुछ इस तरीके का रहता है। तो ये क्या करते हैं, अनपोलराइज लाइट को प्लेन पोलराइज लाइट में कन्वर्ट किए। अब वो प्लेन पोलराइज लाइट ये दूसरे वाले फिल्टर के कारण क्या होगा, ये ब्लॉक करेगा हमारी लाइट को। तो जैसे कि मैं आपको बताया ये कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड है, ये ब्लॉक करता है लाइट रादर देन एमिटिंग लाइट, ठीक है। तो इसीलिए ये इसको लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले बोलते हैं, ये एमिटिंग डिवाइस नहीं है, ये हम लोग का ब्लॉक करेगा लाइट को। तो ये काम कैसे करता है, तो देखिए ये जो हमारा ये मच्छर बाबा फिर से आ गया, तो देखिए काम कैसे करते हैं। तो वी नीड टू टेक टू पोलराइड ग्लास फिल्टर, जैसे मैं बताया दो पोलराइड ग्लास फिल्टर लिए। जैसे ही हम लोग करंट को ऑन किए, करंट अपना स्विच ऑन किए, करंट आया, तो लिक्विड क्रिस्टल मॉलिक्यूल्स ओरिएंटेशन था, ये इलेक्ट्रोड जो है ये यहाँ पे हम लोग का करंट आया, तो ये इसका ओरिएंटेशन एकदम प्रॉपर हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके के ओरिएंटेड हो जाएंगे। अब मेरे को जिस भी डायरेक्शन में ये जो लाइट आ रही है, ये अगर इसका डायरेक्शन ऐसा हुआ, इसका डायरेक्शन ऐसा हुआ, तो ये लाइट को क्या करेंगे, बेंड कर देंगे। लाइट का एंगल बदलने के लिए काम आ रहा है मेरे, तो लाइट का एंगल मैं इसके थ्रू बदल सकता हूं। उसके बाद क्या होगा, यहां पर से लाइट गई, उसके बाद फिर ये जो मेरा दूसरा वाला जो मेरा फिल्टर है, ये क्या करेगा, लाइट को ब्लॉक करेगा। तो उस पर्टिकुलर जगह पे मेरे को डार्क दिखेगा, और कुछ लाइट मेरी पास होगी जिससे मेरे को क्या दिखेगा, पिक्चर दिखेगा। तो यहां पे वही चीज लिखा होगा कि यहां पे ब्लॉक करता है लाइट को, और जो इलेक्ट्रोड हम लोग यहां पे बनाते हैं इंडियम ऑक्साइड से बनाते हैं, ये सब यहां पे लिखा होगा। एक बार आप इसको कैजुअल रीडिंग मारेंगे आपको जरूर समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर एडवांटेज डिसएडवांटेज आपको एलसीडी के पता ही होगा, कम पावर लगता है और सीआरटी के मुकाबले काफ़ी अच्छा है, और डिसएडवांटेज में अगर बोलेंगे तो रिलायबल कम है, और बहुत कुछ है, देख लेना इसको, बहुत ही चिंटू मिंटू चीज़ें हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता, मैं अगले वीडियो मिलता हूँ। पहले ही वीडियो का लेंथ काफ़ी लंबा हो गया, आप ज़रूर करिएगा इसको, आपको ज़रूर एक बार में चीज़ें समझ में आ जाएगी। अगले वीडियो में मिलता हूँ, जहाँ पे हम लोग कुछ काम का डिस्कशन करेंगे, एल्गोरिदम्स पे जाएंगे हम लोग सीधे, डीडीए एल्गोरिदम, ब्रेसेनहैम्स एल्गोरिदम, काफ़ी अच्छे खासे एल्गोरिदम है जो कि आपके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सारे को करना बहुत ज़रूरी है एज़ कम्पेयर टू ये वाला। ये वाली चीज़ें आप खुद से भी लिख सकते हैं एक बार अगर रीड कर लिए तो, लेकिन एक बार समझना भी जरूरी है, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखता हूँ, मिलता हूँ अपने अगले वीडियो में। तो अगर मेरा एफर्ट आपको अच्छा लग रहा हो, ठीक लग रहा हो, तो ज़रूर इसको शेयर करना मत भूलिएगा, लाइक कर सकते हैं अगर आपको ठीक लगे तो। और इस वीडियो के लिए इतना ही रखता हूँ।